आज मैं बनाने जा रही हूँ कप स्टैंड। इस कप स्टैंड को बनाने के लिए मुझे जो सबसे पहले चाहिए वो ऐसे कार्डबोर्ड रोल मैं यूज़ कर रही हूँ। जे कभी भी हम कोई पैकिंग कवर लाते हैं जहाँ वॉलपेपर वगैरह लाते हैं, इस पर रोल किया होता है, मैं वो कार्डबोर्ड रोल यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ एक ऐसे मेरे पास लोहे की वायर पड़ी हुई है, मैं उसे यूज़ करूँगी। तो इन दोनों को मुझे पहले अपने साइज़ के अकॉर्डिंग काटना है। मैंने जो वायर लोहे की वायर काटी है, इनको 5 इंच का काटा हुआ है। 6 पीस मैंने 5 इंच के काटे हैं और जो ये कार्डबोर्ड रोल है इसको मैंने 12 इंच का रख कर काटा हुआ है। तो अब इसे काटने के बाद मैं ऐसे इसके निशान लगा रही हूँ। जहाँ पर मैं ये निशान लगाऊंगी इसके सेम बिल्कुल ओपोजिट जो इसकी ओपोजिशन है वहाँ पर भी सेम निशान लगाऊंगी। बिल्कुल हमें एक निशान के ओपोजिट दूसरा निशान लगाना है। तो अब जहाँ पर हमने ऊपर निशान लगाया है बिल्कुल उसके बीच ऐसे नीचे रखकर थोड़े बीच लगाया है। तो अब इस जो बीच लगाया है ऊपर दोनों निशानों के उसका भी अब ओपोजिट लगाएंगे। जो भी हमें निशान लगाना है उसके ओपोजिट लगाना है। अब नीचे जो सेकंड वाले पर हमने 2 निशान लगाए हैं अब उसके बीच एक निशान लगाएंगे और इसके भी ओपोजिट हम निशान लगाएंगे। जी मैं 6 निशान लगा रही हूँ। तो ऐसे मैंने सारे निशान लगा लिए। अब मुझे जो निशान लगाए हुए हैं मैंने वहाँ पर मुझे होल करने हैं। कोई भी आप तीखी चीज के साथ होल कर सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ पर एक स्क्रू ले रही हूँ उसकी हेल्प से जो होल करूँगी। लेकिन हमें ये याद रखना है क्योंकि मेरे पास इतनी जो भी कोई तीखी चीज़ थी उससे बड़ी थी जो मेरे पास लोहे की वायर है, हमें वैसे साइज का ही होल करना है। इसीलिए मैं स्क्रू के साथ कर रही हूँ, हमें सेम साइज रखना है। तो अब मैं ऐसे स्क्रू जो लगाया हुआ है उसको लगाकर ऊपर स्क्रू ड्राइवर के साथ उसे लगा रही हूँ क्योंकि वो होल थोड़ा ईजी हो जाए। इसी सेम वे में मैं जो बाकी के 5 निशान भी बचते हैं उन पर भी होल कर लूँगी। अब मेरे सारे जो 6 निशान थे वो उन पर मैंने होल बना लिए हुए हैं। अब मैं जो वायर ली हुई है उसको ले रही हूँ, उसको मुझे एक साइड से ऐसे उसे थोड़ा मोड़ना है, उसको फोल्ड करूँगी एक साइड से। हमें ऐसे उसे एक साइड से फोल्ड करते जाना है। ऐसे मैंने सारे जो 6 पीस लिए हुए हैं इस वायर के 6 को ही मैंने ऐसे साइड से फोल्ड कर लिया एक साइड से। तो अब जहाँ पर मैंने फोल्ड किया है उसको होल के बीच निकाल कर मैं ऐसे हॉट ग्लू लगा रही हूँ। जो हॉट ग्लू जहाँ पर लगी है उसे मैं ऐसे फिक्स कर दूँगी। तो जो मैंने फोल्ड किया था उसको नीचे की साइड मैं ऐसे कर दूँगी, अंदर की साइड जो मैंने फोल्ड किया था उसे अंदर कर दिया है और नीचे से लगा दिया है उसे। तो ऐसे मैं हॉट ग्लू लगा रही हूँ बाहर से। तो जो बाहर वायर है उसको मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर दबाकर हॉट ग्लू लगाई है मैंने, थोड़ा सा उसको ऊपर की ओर फोल्ड किया है हाथ से ही दबाकर। अब मैं अंदर भी ऐसे हॉट ग्लू लगाऊंगी जो अंदर की साइड हमने पहले फोल्ड किया था, ऐसे ही मैं सभी लगा लूँगी। जो हमने वायर की जिस साइड को फोल्ड किया हुआ है पहले किया था उसको हम अंदर की साइड करके नीचे की साइड करेंगे और बाहर की साइड को ऐसे हाथ से दबाते हुए थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। तो फिर बाहर हॉट ग्लू लगाएंगे, फिर उसके अंदर हॉट ग्लू लगा लेंगे। हॉट ग्लू के साथ इसे पूरा फिक्स कर देंगे हम। तो अब वैसे तो ऑलरेडी मेरा हॉट ग्लू के साथ जो वायर मैं लगाई हुई है बीच वो फिक्स हो चुकी है, लेकिन मैं इसे और मजबूत करने के लिए ऐसे जैसे एम सील होती है ऐसा एक मटेरियल यूज़ कर रही हूँ। आप एम सील यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर, वाइट सीमेंट यूज़ कर सकते हैं, POP यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे वायर को इस कार्डबोर्ड रोल के बीच अच्छी तरह फिक्स करना चाहती हूँ। हॉट ग्लू लगाने के बाद मैं इसे लगा रही हूँ ऐसे बाहर, मैं पूरा उसे लगा दूँगी जिससे वो और मजबूत हो जाए। तो ऐसे सेम मैं अंदर भी इसे लगाऊँगी। ऐसे अंदर मेरा हाथ बिल्कुल आसानी से जा रहा है तो इसीलिए मैं अंदर की साइड भी इस एम सील को लगा रही हूँ, क्योंकि अंदर की साइड जो हमने फोल्ड किया है उसको पूरा हम फिक्स करेंगे।
ऐसे मैंने सारी वायर जो पीस 6 पीस काटे थे उनको लगा लिया है, और हॉट ग्लू लगाने के बाद ऐसे MC लगा दी सभी के ऊपर, अंदर और बाहर दोनों साइड पर। अब मैं इसे थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ूंगी, अच्छी तरह जो ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने अंदर भी अच्छी तरह जो MC लगाई हुई है वायर के ऊपर। तो अब जो ड्राई हो चुका है, अब वैसे मैं एक न्यूज़पेपर ले रही हूँ, आप कोई भी वेस्ट न्यूज़पेपर मैगजीन हो उसके ऐसे लंबे लंबे से पीस काट सकते हैं, थोड़े पतले पतले ऐसे जैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे मैंने एक मिक्सचर तैयार किया है जो मैंने फेविकोल ली हुई है, जहाँ पर उसके बीच जितनी फेविकोल है सेम क्वांटिटी में मैंने पानी लिया है तो मिक्स किया है उसको। मैं ऐसे जो मिक्सचर बनाया हुआ है उसको पहले वायर पर लगाऊंगी, फिर वो पेपर उठाऊंगी एक, उस पर भी उस मिक्सर को लगाऊंगी। तो ऐसे वायर पर इस पेपर को लपेटती जाऊंगी। जी हमें टाइट टाइट करते हुए लपेटना है पेपर को, और साथ साथ में हमें वो मिक्सर लगाते जाना है। हमें इस पेपर को ऐसे बार बार लपेटते जाना है इसके ऊपर, और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम और पेपर उठा लेंगे, क्योंकि हमें उतना इस पर लपेटना है जितना हम इसको मोटा बनाना चाहें, वायर को जितना हम मोटी लेयर देना चाहें वैसा ही हम इसके ऊपर पेपर लपेटते जाएंगे। मैं इनको काफ़ी मोटा बनाने वाली हूँ इसीलिए मैं और पेपर लगा रही हूँ इसके ऊपर। तो ऐसे मैंने एक वायर पर पेपर लपेट लिया है, मुझे जितना उसे मोटा बनाना था वैसे मैंने कर लिया। ऐसे मैं बाकी की वायर के ऊपर भी कर लूँगी सेम। तो अब मैंने वायर पर भी पेपर लगा दिया है, उसके साथ ही मैंने जो बाकी कार्डबोर्ड रोल की साइड्स बची हुई थी वहाँ पर भी सारे पर मैंने वो न्यूज़पेपर लगा दिया है। अब ऐसे ऊपर से इसे कवर करने के लिए एक मैंने इसके साइज का कार्डबोर्ड का पीस काटा हुआ है, उस मैं इस कार्डबोर्ड के पीस के साथ इसको ऊपर से कवर कर दूंगी और इसके ऊपर भी न्यूज़पेपर लगा दूंगी जैसे नीचे लगाया हुआ है। उसको अब ड्राई होने के लिए मैंने रख दिया। तो जहाँ पर मैंने 3 कार्डबोर्ड के पीस काटे हुए हैं 8 इंच के राउंड शेप में, तो जब तक वो ड्राई होता है ऐसे जो एक्स्ट्रा मेरे पास कार्डबोर्ड रोल बचा हुआ है जिससे मैंने वो काटा था, उसको मैं इन कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर रख कर बिल्कुल सेंटर में रख कर मैं निशान लगाऊंगी। तो अब निशान लगाने के बाद ऐसे मुझे दोनों दो जो नीचे के कार्डबोर्ड पीस है वहाँ पर भी निशान लगाकर इनको बीच से काट लेना है। ये मुझे तीनों पर करना है। अब मैंने तीनों के बीच से वो काट दिया जितना मुझे साइज चाहिए था। तो अब मैं इसके ऊपर ग्लू लगाकर एक के ऊपर एक पीस को चिपकाऊंगी, तीनों को एक साथ सेट कर लूँगी। तीनों को एक दूसरे के ऊपर चिपकाने के बाद मैं ऐसे सेल्फ एडहेसिव पेपर ले रही हूँ, इसको जो मैं बना रही हूँ कार्डबोर्ड के पीस काटे हुए बीच से उनको कवर करूँगी इसके साथ। तो अब हमें बीच से भी उसे काट कर बिल्कुल वही शेप दे देनी है जैसे हमने उसको काटा हुआ है राउंड शेप में। जहाँ पर हमारा जो स्टैंड है वो ड्राई हो चुका है, अब मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर करूँगी। ब्लैक कलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो एक्रेलिक कलर है। मैं इसे सारे पर जो स्टैंड है जब वायर है जिस पर हमने न्यूज़पेपर को लपेटा हुआ है सभी को ब्लैक कलर करूँगी। कलर को करने के बाद हम इसे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रखेंगे।
स्टैंड के ड्राई होने के बाद मैं उसकी नीचे की साइड जो है वहाँ पर हॉट ग्लू लगा रही हूँ, ग्लू गन लगा रही हूँ। उसे लगाकर ऐसे मैं जो हमने नीचे बेस बनाया हुआ है उसके बीच बिल्कुल इसे सेट कर दूंगी। ऊपर से दबा देंगे हम ताकि वो प्रॉपर उसके बीच फिक्स हो जाए और बिल्कुल स्टेबल हो जाए। अब मैं ऊपर उसे सेट करने के बाद उसके नीचे की और भी हॉट ग्लू लगा रही हूँ। तो अब ऐसे हम इसके बीच और भी इसे मजबूत करने के लिए इसके अंदर और बाहर टेप लगाकर मैंने नीचे भी इसके जो ऊपर सेल्फ एडहेसिव पेपर लगाया था वो लगा दिया है। अब जो इसके जहाँ पर हमने हॉट ग्लू लगाई हुई है कोई वो शो हो रहा है जहाँ पर हमने इसे दोनों को आपस में अटैच किया है वहाँ पर मैं लेस लगाऊंगी। वैसे तो मैं जहाँ पर ब्लैक लेस लगाना चाहती थी लेकिन मेरे पास ब्लैक नहीं थी तो इसीलिए मैं नीचे ग्रे लेस यूज़ कर रही हूँ तो ऊपर ऐसे ऑरेंज लेस यूज़ करूँगी। तो ऐसे मेरा जो कप स्टैंड था वो बनकर रेडी है। आप इसे देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। मैंने तो जस्ट इसे 6 कप के लिए बनाया है। अगर आप चाहे तो इसे ज़्यादा भी वायर यूज़ करके इसकी लेंथ जो हमने कार्डबोर्ड रोल काटा था उसकी लेंथ को बढ़ाकर ज़्यादा कप के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए कैसे सिंपल जस्ट घर पर जो कार्डबोर्ड रोल था उसके साथ और एक दो और कार्डबोर्ड के पीस के साथ हमने कैसे कप स्टैंड बना लिया जो बिल्कुल ही फ्री में बन गया हमारा, जो घर पर मटेरियल था उसे बनाया। तो ऐसे मेरे पास मेरी बेटी के कप और प्लेट है छोटे जो खेलने वाले होते हैं तो अगर हम चाहे तो इन्हें भी ऐसे इसके ऊपर हॉट ग्लू के साथ फिक्स कर दे तो देखने में और भी अच्छा लगे और बहुत ही क्यूट सी आइटम लगेगी। क्योंकि जो हम कप स्टैंड बनाया हुआ है उसे अगर हम ऐसे ट्वाइस कप और प्लेट के साथ ऊपर से डेकोरेट करते हैं, अगर हम इसे ऐसे फिक्स कर देते हैं ग्लू के साथ तो बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा लगेगा। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसे वाइट भी छोड़ सकती हूँ, वो भी अच्छा लग सकता है। अगर चाहूँ तो जैसे ऑरेंज नीचे दिया गया है इसका जो बेस है और लेस लगी हुई है मैं ऐसे ऑरेंज कलर भी इसके ऊपर लगा सकती हूँ। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।